तो यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। 3 मार्च को मतदाताओं को छठे चरण के लिए मतदान का इंतजार है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। अब 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बलिया, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले शामिल हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए 2 दिन के बाद मतदान होना है। छठे चरण में कुल 2,14,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 1,14,00,000 पुरुष मतदाता है और 99,58,000 महिला वोटर शामिल हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए 13,929 पोलिंग सेंटर हैं और 25,319 पोलिंग स्टेशन्स बनाए गए हैं। 3 मार्च को होने वाले चुनाव में कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो छठे चरण के चुनाव में भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में मौजूद हैं और राजनीतिक भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं इनके। छठे चरण में गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देवरिया की पत्थरदेवा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, देवरिया सदर से भाजपा नेता शलभ मणि त्रिपाठी हैं। इसके अलावा हॉट सीट बलिया सदर से सपा के नारद राय और भाजपा के दयाशंकर सिंह मैदान में हैं। बलिया की पिपना सीट से दिग्गज सपा नेता राम गोविंद चौधरी के अलावा कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, फेफना से यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं और सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से सपा के राम अटल राजभर हैं, तो भदोही की ज्ञानपुर सीट से जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से लालजी वर्मा भी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला 3 मार्च को जनता वोट डाल करके करेगी। बलिया सदर पर लड़ाई दिलचस्प है। यहाँ सपा के प्रत्याशी नारद राय और भाजपा के प्रत्याशी दया शंकर सिंह के बीच आर पार की लड़ाई है, सियासी जंग है। दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वैसे कितनी सीटें साथ में साथ समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप देखिए इसी तरह का माहौल पूरे बलिया में हर विधानसभा में। कहते हैं कि बलिया ने जिसको जिता के भेजा उसको तो मंत्री बना दिया गया, तो इस बार तैयारी समझे। देखिए ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि क्या बलिया में मंत्री बनूं न बनूं, बलिया का विकास जो भाजपा ने अवरुद्ध करा दिया 17 से 22 तक उसको पूरा कराऊंगा। देखिए नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी वो खुला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। जो शहर में वो घर बनाए हैं उनके चारों तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो वो बौखलाहट में बोल रहे हैं।